गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ में भटूरी की रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने आप लोगों को कल बोला था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भटूरी की रेसिपी लेके आऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मैदा लिया हुआ है। इसमें एक स्पून नमक डाल दिया। ये मैंने दही लिया है जो मैंने घर पे ही बनाया हुआ था, होममेड है ये। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, मैं अपने हाथों की हेल्प से इसे कैसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। भटूरे का आटा बहुत अच्छे से गूंथना पड़ता है, नहीं तो भटूरे बहुत ही बेकार हो जाते हैं। इसको बहुत देर से हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स करना होता है चारों तरफ। ये देखिए, मैंने गुनगुना पानी ले लिया हुआ है, बहुत गर्म नहीं है, ये गुनगुना पानी है। अब मैं इसकी हेल्प से इसे अच्छे से गूंथ लूँगी। आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे मिक्स कर रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे थोड़ा थोड़ा गूंथना है। ये देखिए, मैंने कुछ इस तरह से इसे गूंथ लिया है, बट अभी इसे और गूंथना है। इसको गूंथने में बहुत टाइम लगता है। जब तक आप बहुत अच्छे से नहीं गूंथेंगे तब तक भटूरे अच्छे नहीं होंगे। इसे एकदम सॉफ्ट भटूरे होते हैं, इसलिए इसके आटे को गूंथने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। ये देखिए, अभी ये मेरा आटा रेडी हो गया है। अब मैं इसे एक सूती गीले कपड़े से पूरे अच्छे तरीके से कवर करके 3-4 घंटे के लिए रख दूंगी। ये देखिए, अब मैंने इसे 3 घंटे बाद लिया है। मैं इसकी लोइयां बना लूंगी। ये देखिए, मैं इसे कुछ इस तरह से बेल लूंगी। मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, अब मैं भटूरे को तेल में डालूंगी। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले लिया था। ये देखिए, मैं इसे किस तरह से पका रही हूँ। अब इसे पलटे की हेल्प से धीरे धीरे चलाते रहेंगे, तभी ये अच्छे से फूला फूला होगा। ये देखिए, ये कितना प्यारा सा बन गया है। गैस की फ्लेम को आप तेज़ ही रखिएगा, क्योंकि ये तेज़ फ्लेम पे अच्छे से फूलता है। ये देखिए, बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसी तरीके से एक और बना लूँगी। ये देखिए, एक और बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली फ्रेंड के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।